वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम आपको एक जेंट शर्ट बनाना सिखाएंगे। हमारे बहुत से व्यूअर्स की ये फरमाइश थी कि हमें जेंट शर्ट बनाना सिखा दें, तो आज हम अपने तमाम व्यूअर्स की फरमाइश को पूरा करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारी इस डिज़ाइनर शर्ट को समझने के लिए हमारी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमने शर्ट के लिए 2.5 गज प्लेन फैब्रिक लिया है, तो अब हम इसको खोलेंगे और अपने साइज़ के हिसाब से शर्ट की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, हमारे शर्ट की लेंथ है 28 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 30 इंच पे कट करेंगे। व्यूअर्स, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया कि 1 इंच सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर से और 1/2 इंच नीचे से शर्ट की टर्निंग होगी, और 1 इंच को हम यहाँ पॉकेट की कैप लगाने के लिए टर्न करेंगे, वो हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले हम 30 इंच पे इस तरह से लेंथ लेने के बाद यहाँ से इस तरह से टर्न करेंगे, और टर्न करते हुए इस तरह से इसको सेट करते हुए हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ से 30 इंच लेंथ लेने के बाद अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने फ्रंट की साइड से शर्ट की प्लेकेट बनाने के लिए कपड़े को 2 इंच अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। हम 2 इंच लेते हुए कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से इस तरह से व्यूअर्स, हमने फ्रंट की साइड से 2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ टर्न किया है शर्ट की ब्लैकेट बनाने के लिए। अब हम इसको इस तरफ इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूअर्स, फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इस कपड़े को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, ये बैक पार्ट की बंद साइड है और ये बैक पार्ट की ओपन साइड्स हैं। अब हम इस बचे हुए कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, ऊपर हमारे फ्रंट पार्ट की डबल साइड है जिसको हमने अंदर की तरफ टर्न किया था, और नीचे हमारे बैक पार्ट की बंद साइड है। इन दोनों को हमने सेम साइड में रखा है। अब हम यहाँ से तीरे का साइज़ लेंगे और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमारे तीरे का साइज़ है 18 इंच, तो हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से नीचे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और हमारी फिटिंग है 22 इंच, तो हम यहाँ से 11 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हम यहाँ से आर्म होल की शेप देंगे। हमारी फिटिंग है, व्यूअर्स, हमारी कमर है 20 इंच, तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 11 इंच पे निशान लगाएंगे, और निशान लगाते हुए हम इस तरह से ऊपर की तरफ शेप बनाएंगे, और यहाँ से इसी तरह से हम यहाँ से नीचे की तरफ स्ट्रेट शेप देंगे। और व्यूअर्स, यहाँ से हम इस तरह से एप्पल कट शेप देंगे,
नीचे की साइड से। तो अब हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। व्यूज़ अब हम फ्रंट साइड की 1.5 इंच यहाँ से तीरे की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम गले की 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच इस तरह से शेप बनाएंगे। व्यूअर्स हम बैक पार्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, सिर्फ फ्रंट की दोनों साइड्स को पकड़ के हम तीरे की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की 1/2 इंच के करीब मज़ीद कटिंग करेंगे। व्यूअर्स अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स अब हम इस कपड़े से 1/2 स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे और स्लीव्स की लंबाई को हम 9.5 इंच तक लेंगे। तो 9.5 इंच तक निशान लगाने के बाद हम कपड़े को दोबारा इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अब हम यहां से कट करेंगे। व्यूअर्स हमारा आर्म होल है 9.5 इंच, तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से शेप बनाएंगे। और यहाँ से हमारे बाजू की फिटिंग है 7 इंच, तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 8 इंच पे इस तरह से शेप बनाएंगे। और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। व्यूअर्स हमने स्लीव्स को कट कर लिया है, अब हम तीरे को कट करेंगे। व्यूअर्स हमारा तीरा है 4 इंच, तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 5 इंच पे तीरे को कट करेंगे इस तरह से। व्यूअर्स अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे। व्यूअर्स अब हम तीरे को शर्ट के मुताबिक सेट करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा लेंथ को कट कर देंगे। और जैसे हमने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को 1.5 इंच कट किया, इसी तरह से हम तीरे को भी एक साइड से 1.5 इंच कट करेंगे और दूसरी साइड से स्ट्रेट रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से तीरे के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। व्यूअर्स हमने एक साइड से तीरे की कटिंग कर ली है, दूसरी साइड से हम इसको इस तरह से खोल के सेंटर से कट कर देंगे। तो ये स्ट्रेट साइड ये हमारी बैक साइड के साथ अटैच होगी और जो तीरे की हमने कटिंग की है ये हमारी फ्रंट साइड के साथ इस तरह से अटैच होगी। व्यूअर्स हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे।